हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ चंदन कुमार सिंह। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का 24th पार्ट है। लास्ट पार्ट पर डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 481 तक। क्वेश्चन नंबर 482 कह रहा है द लेफ्ट हैंड टूल ऑन लेथ, लेथ में अगर लेफ्ट हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं तो कट्स मोस्ट इफिशियंटली व्हेन द टूल ट्रेवल, टूल किधर से किधर ट्रेवल करेगा। अगर लेफ्ट हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं तो टूल किधर किधर ट्रेवल करेगा, और अगर राइट हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं तो टूल किधर से किधर ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टूल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। लेथ का टूल का अगर हम बात करें तो लेथ का टूल अगर टर्निंग टूल है तो लेफ्ट हैंड टूल भी होता है, राइट हैंड टूल भी होता है। फेसिंग टूल है तो भी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। यहां पर जो बात कर रहा है वो टर्निंग टूल के बारे में बात कर रहा है। कैंपरिंग टूल है तो उस पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता है। तो अगर हम बात करें टर्निंग टूल के बारे में कि दिस इज द टर्निंग टूल, दिस इज लेफ्ट हैंडेड एंड दिस इज द राइट हैंडेड। हम टर्निंग टूल के ही बारे में अगर बात करें, दिस इज द फेसिंग टूल एंड दिस इज सैम्पलिंग टूल। अगर हम टर्निंग टूल का बात करें तो लेफ्ट हैंड, तो ये टूल इस तरह से लगा हुआ है तो किधर से किधर जाएगा, ये ट्रेवल किधर 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 करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ कि राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर ऐसा टूल है तो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ आपका जाएगा, और अगर इस तरह का टूल है तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर यहां पर हम टूल अटैच किए हैं, यहां पर टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में टूल अटैच किया, टूल यहां पर इस तरह का है लगा हुआ, तो ये जो टूल है, ये जो मेरा टूल है, ये मेरा इस साइड से इस साइड जाएगा। लेकिन टूल अगर ऐसा होता तो ये मेरा राइट से लेफ्ट की तरफ जाता, मतलब इस तरह से जाता, मतलब पूरा का पूरा कैरेज जो है वो आपका इस डायरेक्शन में आता। अगर राइट हैंडेड टूल है तो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, एंड लेफ्ट हैंडेड टूल है तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको, लेफ्ट हैंडेड टूल है तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंडेड टूल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, एंड राइट हैंडेड टूल में राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द लेथ पार्ट इज मेंशन्ड बिलो इज नॉट प्रोवाइडिंग विद द पावर फीड। पावर फीड जो हम देंगे तो पावर फीड जो देंगे फीड फीडिंग मोशन जो देते हैं हम लोग, वो जब देते हैं तो लीड स्क्रू में देते हैं, फीड स्क्रू को होते हुए और लीड स्क्रू के थ्रू या फिर फीड स्क्रू के थ्रू हम लोग मोशन को प्रोवाइड करवाते हैं। ये कैरेज में जाता है और क्रॉस स्लाइड भी उससे मूव करता है। इसको हम कंपाउंड स्लाइड में नहीं देते हैं, कंपाउंड रेस्ट में ये देते नहीं हैं हम लोग, पावर कंपाउंड स्लाइड में देते नहीं हैं। ये अगर थोड़ा ध्यान देना है इसमें, दिस इज माय हेड स्टॉक, दिस इज माय टेल स्टॉक। जो भी पावर मोटर से ट्रांसमिट हुआ वो कुछ हेड स्टॉक में गया जो मेन स्पिंडल को रोटेट किया, और कुछ पार्ट ऑफ पावर आपका इस बॉक्स में गया जिसको हम फीड गियर बॉक्स बोलते हैं। ये दिस इज द फीड गियर बॉक्स। फीड गियर बॉक्स में पावर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज गोइंग टू द फीड रॉड, एक पावर जो है वो फीड रॉड में जाता है और दूसरा पावर लीड स्क्रू के थ्रू जाता है। अगर हमको थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है तो हाफ नट के मदद से हाफ नट को यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, मतलब अटैच कर देते हैं, और इसके मदद से पावर आपका लीड स्क्रू से आपका कैरेज में जाता है, और उसका जो पावर रहता है वो आपका वॉर्म व्हील उससे रोटेट होता है। वॉर्म व्हील से एक गियर यहाँ अटैच है जो कि इस पर्टिकुलर इंटरनल गियर से अटैच है, जो कि रेक रेक के ऊपर स्लाइड हो रहा है मूवमेंट, और इस मूवमेंट की वजह से ये चीज़ ये पूरा का पूरा कैरेज आपका इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर हम बात करें कि दिस गियर, अगर इस हैंडल की मदद से इस हैंडल को अगर हम रोटेट करके इसके अबाउट ले आएँ, इससे सटा दें, हम इसे मेस करवा दें, तो क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, आपका जो ये क्रॉस स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड आपका क्रॉस मतलब वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके साथ इंगेज हो जाएगा, तो दिस इज द क्रॉस स्लाइड। एंड ऊपर इसके ऊपर जो है ये है कंपाउंड स्लाइड, और ये है टूल पोस्ट, और ये है टूल आपका। तो सबसे पहले टूल, फिर टूल पोस्ट, फिर कंपाउंड स्लाइड, फिर क्रॉस स्लाइड, और उसके नीचे ये गियर का अरेंजमेंट जिसको हम एप्रॉन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो पावर हम दे रहे हैं, ये पावर हम
इसके मदद से पूरे कैरेज में दे रहे हैं, कैरेज में दे रहे हैं, और वही क्रॉस स्लाइड में दे रहे हैं। कंपाउंड स्लाइड में कोई पावर हम नहीं देते हैं, कंपाउंड स्लाइड में मैनुअली हम उसको हैंडल से आगे या पीछे, कंपाउंड स्लाइड को आगे या पीछे कर सकते हैं। अगर हम कंपाउंड स्लाइड का बात करें, अगर पूरे के पूरे कैरेज का अगर हम बात करें, कैरेज कैरेज होता है क्या, इन बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक देयर इज अ कैरेज, इट इज़ मूवेबल ऑन द बेड वे एंड इट पर्पज टू होल्ड द कटिंग टूल। कैरेज का पर्पज है कटिंग टूल को होल्ड करना, टू इम्पार्ट टू इट आइदर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस फीड। इसके पास फाइव मेजर पार्ट्स होता है। पहला होता है सैडल, जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा कैरेज स्लाइड करता है, उसको हम लोग सैडल बोलते हैं। द बेस ऑफ द कैरेज इज द सैडल विच स्लाइड्स अलॉन्ग द वे ऑफ द लिथ बेड। दूसरा होता है क्रॉस स्लाइड, द क्रॉस स्लाइड इज माउंटेड ऑन द सैडल, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है एंड प्रोवाइड कटिंग टूल मोशन विच इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ द लिथ इट सेल्फ। लेथ के सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब दैट मीन वाई एक्सेस में हम इसको स्लाइड करवा सकते हैं। द क्रॉस फीड मूवमेंट मे बी कंट्रोल्ड बाई मैनुअली और बाई द पावर फीड। इसमें जो क्रॉस देते हैं, पावर जो देते हैं, वो मैनुअली भी दे सकते हैं और पावर फीड के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन कंपाउंड रेस्ट में जो पावर देते हैं वो नो पावर फीड फॉर द कंपाउंड रेस्ट, देयर इज नो पावर फीड फॉर द कंपाउंड रेस्ट। इट इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो माउंटेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्लाइड। द कंपाउंड स्लाइड हैज़ ए ग्रेजुएटेड बेस एंड कैन बी स्विवेल्ड अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, जिसको वर्टिकल एक्सिस में हम स्विवेल कर सकते हैं। दिस इन दिस वे इट्स स्लाइड कैन बी सेट बाई एनी एंगल विद द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस से कोई भी एंगल इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर टैपर टर्निंग के केस में हम इसको कंपाउंड रेस्ट को हम स्लाइड करवा देते हैं और वहाँ से टैपर टर्निंग हम लोग को मिलता है। इट कैन बी क्लैम्प्ड टू रिमेन इन एनी एंगुलर सेटिंग, इसको इस तरह से क्लैम्प करते हैं कि कोई भी एंगुलर सेटिंग हमको मिल सकता है। द रेंज ऑफ कंपाउंड रेस्ट इज ऑनली लिमिटेड, कंपाउंड रेस्ट का रेंज जो है वो ऑनली लिमिटेड है एंड यूज फॉर ऑब्टेनिंग एंगुलर कट एंड शॉर्ट टैपर। हम लोग बाय द कन्वीनियंट पोजिशनिंग ऑफ द टूल टू द वर्क पीस, बोथ द क्रॉस स्लाइड एंड द कंपाउंड रेस्ट स्क्रू आर इक्विप्ड, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है विथ माइक्रोमीटर कॉलर। They are used for making accurate adjustment when turning the workpiece to close measurement when the cutting screw thread, there is no power feed for the compound rest. Compound rest में कोई power feed हम नहीं देते हैं, वो manually हम इसको slide करवाते हैं। तो this is the compound slide, this is the cross slide, उसके ऊपर tool post और ये पूरा का पूरा carriage। तो इसमें हम manually इसको provide करवाते हैं। तो कह रहा है किसमें हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेथ पार्ट मेंशन बिलो इज नॉट प्रोवाइडेड विद पावर फीड, पावर फीड किसमें नहीं देते हैं, तो कंपाउंड रेस्ट में पावर फीड नहीं देते हैं, वो मैनुअली ही करना होता है हमको। नेक्स्ट है, बिफोर हार्डन स्टील कैन कट इट मस्ट बी हार्डन स्टील, बिफोर हार्डन स्टील कैन कट, हार्डन स्टील जो है उसे कट होने से पहले उसको हम क्या करते हैं, उसको एक कटिंग शेप देते हैं, कटिंग शेप देते हैं। जो जो टूल मेरा है, टूल मटेरियल जो भी हार्डन स्टील का बना हुआ है, वो कट करने से पहले उसको हम शेप देते हैं, कटिंग एज, उसमें हम कटिंग एज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ईजिली मेरा वहाँ से कट सके, वो ईजिली मटेरियल को रिमूव कर सके वो, ये ध्यान देना है इसमें। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग कह रहा है कि द प्रोसेस बाई विच द नेचुरल एग्जिस्टिंग ऑफ द ऑक्साइड लेयर, कोई भी अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ऊपर ये एल्यूमिनियम का बार है, तो इसके ऊपर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, वो नेचुरली बनता है। अगर वो एल्यूमिनियम का जो लेयर बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर अगर कहीं डैमेज हो गया और फिर से हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर डेवलप करना है उसके ऊपर, तो हमको एनोडाइजिंग करना होगा। एल्यूमिनियम पार्ट्स इज इंक्रीज्ड, लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम पार्ट इज इंक्रीज, ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम पार्ट्स इज इंक्रीज्ड, द एल्यूमिनियम पार्ट्स को हम एनोड बना देते हैं,
एल्युमिनियम पार्ट जिसके ऊपर हमको एनोडाइजिंग करना है, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर डेवलप करना है, उसको हम एनोड बना देते हैं। प्रीवियसली प्रिपेयर्ड विथ ए नंबर ऑफ प्री ट्रीटमेंट एंड लीड एज ए कैथोड आर इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहने का मतलब सबसे पहले हम एल्युमिनियम जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना है उसको पहले से पहले क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन कर लेते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, क्लीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन में कॉस्टिक सोडा सोडा बाथ है उसके अंदर हम इसको डाल करके इस एल्युमिनियम के बार को डाल करके इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद इसको एनोड बना देते हैं, एक दूसरा बर्तन में लेते हैं, दूसरा कंटेनर में लेते हैं और इसको एनोड बना देते हैं और एक लीड का कैथोड बना देते हैं और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम पुट कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। ए डीसी करंट पास बिटवीन देम, अब उसके बीच डीसी करंट डालते हैं, डीसी करंट पास बिटवीन देम ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन इन वाटर। जो ऑक्सीजन है उसका वाटर का जो ऑक्सीजन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस डाइल्यूट तो डाइल्यूट मतलब वाटर के साथ उसको मिला कर डालते हैं, तो ये जो वाटर जब टूटता है डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन डेवलप करता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डेवलप करेगा, तो ऑक्सीजन जब वहाँ से निकलता है तो वो ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड डेवलप करता है एट द सर्फेस ऑफ द पार्ट के सर्फेस पर। द एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट केप्ट द ऑक्साइड लेयर पोरस अंटिल द पार्ट इज राइजन एंड देन इमर्ज इन द बॉइलिंग वाटर विच सील्स द सर्फेस पोरस। जब यहाँ पर एक लेयर डेवलप हो जाता है इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर डेवलप हुआ वो अभी भी पोरस है। अब उसके पोरसिटी को रिमूव करने के लिए उसको हम बॉइल्ड वाटर में उसको हम डुबा देते हैं। डुबाने से क्या होता है, वो सरफेस ही बहुत लस्टर प्रोड्यूस होता है और एक लेयर डेवलप होता है ऑक्साइड का। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग, ये दिस इज द एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो हम लोग अभी देखे कि एनोडाइजिंग होता क्या है। एनोडाइजिंग में एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। एनोडाइजिंग इज ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस फॉर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम पार्टिकल, मैग्नीशियम के लिए। एनोडाइजिंग क्या है, ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज डेवलप ऑन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। दिस यहाँ पर जो एनोडाइजिंग है उसमें मटेरियल कौन कौन से यूज होता है, तो मटेरियल एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय यूज होता है। अदर एलिमेंट मेटल ऑल्सो ट्रीटेड एज सिमिलर वे सच एज जिंक मैग्नीशियम टाइटेनियम को इसी तरीके से हम एनोडाइजिंग कर सकते हैं, उसका ऑक्साइड डेवलप कर सकते हैं उसके सर्फेस के ऊपर। दिस इज द एनोडाइजिंग प्रोसेस एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए, जब ऑक्साइड डेवलप होता है तो इसी को बोलते हैं एनोडाइजिंग। नेक्स्ट है अंडरकटिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग। अंडरकटिंग क्या होता है, ए ग्रूव नेक्स्ट टू द शोल्डर इसको बोलते हैं अंडरकटिंग। अगर अंडरकटिंग के बारे में थोड़ा सा हम देखें, दिस इज अंडरकटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरकटिंग। वेल्डिंग का अंडरकटिंग और ये अंडरकटिंग में अंतर है। अंडरकटिंग इज ऑफन कॉल्ड नेकिंग, इसको हम नेकिंग भी कहते हैं या ग्रूविंग भी कहते हैं। इज द कटिंग ऑफ ए ग्रूव नेक्स्ट टू द शोल्डर के नेक्स्ट में एक ग्रूव काटना है ऑन द पीस ऑफ वर्क पीस, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर कटिंग। वेन द स्मॉलर डायमीटर हैज़ टू बी ग्राउंड इन एज मच एज द कॉर्नर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील कैन नॉट प्रोड्यूस द शार्प कॉर्नर जब हमको प्रोवाइड नहीं करता है तो हम यहाँ पर इसको अंडर कटिंग करते हैं। तो अंडर कटिंग होता क्या है वो थोड़ा गौर करना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायरिंग कॉर्नर को स्क्वायर करना है, तो टूल इस तरह का टूल यूज करेंगे, कॉर्नर स्क्वायर हो गया एकदम। दूसरा है कॉर्नर को अगर टर्निंग ए शोल्डर ऑफ रेडियस आर, टर्निंग ए शोल्डर मतलब हल्का सा टर्निंग भी करना है यहाँ पर, शोल्डर को हल्का टर्न करना है तो टर्निंग ए शोल्डर भी कहते हैं उसको। अंडर कटिंग क्या होता है, दिस इज द अंडर कटिंग। यहाँ पर अंडर कटिंग, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा तो यहाँ पर अंडर कटिंग आपको दिख रहा है, ये इस तरह का टूल यूज करते हैं अंडर कटिंग करते हैं, अंडर कटिंग या नेकिंग भी कहते हैं। शोल्डर के बिहाइंड में, शोल्डर अगर ये है तो शोल्डर के बिहाइंड में अंडर कटिंग करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म और है जिसको बोलते हैं हम कैम्परिंग। क्या होता है सैम्परिंग,
सैम्फरिंग का मतलब है कि आपका जो ये वर्कपीस है, वर्कपीस का जो ये वाला पोर्शन है, इसको इस तरह से जब करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं सैम्फरिंग। सैम्फरिंग इस तरह के टूल से करते हैं हम लोग, देखने से ही पता चल जाता है सैम्फरिंग होता क्या है। सैम्पल, सैम्फरिंग मे बी डन बाय सेटिंग द कंपाउंड स्लाइड एट द रिक्वायर्ड एंगल एंड फिटिंग द टूल बिट बाय द हैंड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड सैम्पर। When the chamfer angle and the length is not specified, the tool bit may be set at an angle and fed against the revolving workpiece. Or file may be used. इसके लिए फाइलिंग फाइल भी यूज कर सकते हैं इसको सैम्परिंग करने के लिए। कॉर्नर में भी राउंडेड, इसमें क्या होता है कॉर्नर में भी राउंडेड, कॉर्नर अगर राउंडेड है तो उसको हम सैम्परिंग बोलते हैं। सैम्परिंग ऐसा होता है सैम्परिंग, तो सैम्परिंग अगर पूछेगा कहीं तो वो भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अंडर कटिंग क्या होता है, ए ग्रूव नेक्स्ट टू द शोल्डर, शोल्डर के नेक्स्ट में जो ग्रूव कटता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडर कटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैपर टर्निंग मेथड, टैपर टर्निंग का कौन सा मेथड इज यूज ओनली फॉर टर्निंग एक्सटर्नल टैपर, एक्सटर्नल टैपर हमको करना है, एक्सटर्नल टैपर हमको करना है, इस तरह का टैपर प्रोवाइड करना है, एक्सटर्नल टैपर प्रोवाइड करना है, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। ये मेरा वर्कपीस है तो एक्सटर्नल टैपर अगर हमको काटना है इस तरह का तो हम कौन सा मेथड प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जितना जो ही जो मेथड लिखा हुआ है, फॉर्म टूल, टेल स्ट्रोक ऑफसेट, टैपर अरेंजमेंट, कंपाउंड रेस्ट, सारा का सारा हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल टैपर करने के लिए। आंसर में आपका दिया हुआ है टेल स्ट्रोक ऑफसेट, टेल स्ट्रोक ऑफसेट नहीं होगा, सारा मेथड यूज़ करते हैं एक्सटर्नल टैपरिंग करने के लिए। एक्सटर्नल टैपरिंग करने के लिए हम सारा मेथड यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम देखें टैपरिंग का मेथड, टैपर टर्निंग का मेथड, तो टैपर टर्निंग एक्सप्लेन द वेरियस टैपर टर्निंग मेथड ऑन लेथ, वेरियस टैपर टर्निंग मेथड ऑन लेथ। तो टैपर टर्निंग का जो मेथड है सबसे पहले कंपाउंड रेस्ट मेथड, कंपाउंड रेस्ट को स्विवेल करते हैं, घुमा देते हैं। ये मान लीजिए अब कंपाउंड स्लाइड है, दिस इज द कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड को हम अब क्या किए रोटेट कर दे, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, मतलब ये इतना एंगल से रोटेट कर देते हैं। रोटेट जब करते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंड रेस्ट स्विवेल, कंपाउंड रेस्ट को जब स्विवेल कर देते हैं, स्विवेल कर देते हैं टू द रिक्वायर्ड एंगल, जिस एंगल में हमको चाहिए, तो फाइनली हमको इस तरह का डिजायर्ड जॉब मिलता है जिसको हम टैपर टर्निंग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड। दूसरा कि हम टूल जो यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्म टूल, जिस शेप का हमको टैपर टैपर चाहिए उसी शेप का हम उसी फॉर्म का टूल भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्म टर्निंग। इससे भी हम टैपर टर्निंग एक्सटर्नल टैपरिंग ही प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सटर्नल टैपरिंग ही मिलता है हमको। थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड है, फॉर्म टूल देख चुके हम लोग, थर्ड मेथड है सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक। टेल स्टॉक को सेट करते हैं लॉन्ग वर्कपीस विथ स्मॉल एंगल ऑफ टैपर, लॉन्ग वर्कपीस को अगर स्मॉल एंगल ऑफ टैपर हमको करना है नॉट एक्सीडिंग 8 डिग्री, तो यूजुअली टर्न बाय सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक सेंटर, टेल स्टॉक सेंटर को हम थोड़ा टर्न कर देते हैं। एंड टेल स्टॉक सेटिंग ओवर ऑफसेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला, इतना टेल स्टॉक कितना ऑफसेट हुआ वो इस फॉर्मूला से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैपर टर्निंग का कुछ अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट के मदद से भी हम लोग एक्सटर्नल टैपरिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द टेल स्टॉक का जो ऑफसेट है, टेल स्टॉक अगर यहां पर टेल स्टॉक, दिस इज द हेड स्टॉक, दिस इज द टेल स्टॉक, दिस इज द टूल, तो टेल स्टॉक इतना ऑफसेट हुआ, ऑफसेट का फॉर्मूला हमको दिया हुआ, ऑफसेट कितना एंगल हुआ है, तो दिस एंगल ये हाफ पूरा, अगर टर्निंग ये हाफ एंगल अल्फा है, हाफ एंगल अल्फा है, तो पूरा जो टर्निंग के लिए हम पढ़े थे पिछली बार, पूरा टर्निंग का जो एंगल पढ़े थे ये पढ़े थे 2 अल्फा, और ये हाफ एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल से इसको हम टेल स्टॉक को टर्न कर दिए हैं, टेल स्टॉक को अल्फा एंगल से हम टर्न कर दिए हैं, मतलब ऑफसेट जो जो हम ले रहे हैं एच, वो एच हम निकाल सकते हैं, और वो कितना टर्न किए अल्फा एंगल से टर्न कर दिए। यहाँ पर दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर टर्निंग शॉर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल टैपर, एक्सटर्नल और इंटरनल टैपर इसके थ्रू हम मदद बना सकते हैं। द वर्कपीस इज कॉमनली हेल्ड इन चक, कॉमनली हेल्ड इन चक। तो हम लोग यहां देख चुके कि कोई भी मेथड से हम लोग एक्सटर्नल टैपरिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल,
तो ऑल ऑफ द एबव से एक्सटर्नल टैपिंग कर सकते हैं। विच विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज फॉर चेकिंग द होल, होल को चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज़ करते हैं? तो होल को चेक करने के लिए प्लग गेज यूज़ करते हैं, होल को चेक करने के लिए हम लोग प्लग गेज यूज़ करते हैं। कह रहा है स्टैंडर्ड गेजेस इज एग्जैक्ट द कॉपी ऑफ द मेटिंग पार्ट, एग्जैक्ट द कॉपी ऑफ द मेटिंग पार्ट। फॉर एग्जाम्पल सैप सैफ्ट और बुश, सैफ्ट बनाए हम बुश बनाए हम, दोनों को चेक करना है हमको, तो चेक करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड गेजेस होता है जिसके मदद से हम चेक कर सकते हैं कि जो मेरा बुश बना है वो करेक्ट बना है कि नहीं, और जो सैफ्ट बना है वो करेक्ट बना है कि नहीं। तो एक है लिमिट गेज, लिमिट गेज इज यूज टू चेक वेदर द पार्ट इज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। लिमिट गेज का यूज़ करते हैं कि जो भी पार्ट में बना है, चाहे सैफ्ट बना है या बुश बना है, दोनों स्पेसिफाइड साइज का है कि नहीं है। नेक्स्ट है लिमिट प्लग गेज, अगर प्लग गेज का बात कर रहे हैं हम, प्लग गेज ये यूज फॉर चेकिंग होल, होल को चेक करने के लिए किसको यूज़ करते हैं? प्लग गेज का यूज़ करते हैं। द गो प्लग गेज हैव द साइज ऑफ लो लिमिट ऑफ होल, लो लिमिट ऑफ होल, होल का लोअर लिमिट जो होता है वो गो प्लग गेज के मदद से उसको हम मेजर कर सकते हैं। वाइल नो गो प्लग गेज इज द साइज ऑफ द हायर लिमिट ऑफ द होल, हायर लिमिट ऑफ द होल, अगर नो गो है तो हायर लिमिट ऑफ द होल। कहने का मतलब है कि दिस इज द होल का, दिस इज ये होल बना है, दिस इज द लोअर लिमिट। अगर अगर मेरा जो गेज है प्लग गेज है वो प्लग गेज इसके अंदर चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो गो गेज की मदद से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसका साइज क्या है। अगर हम आउटर लिमिट को मेजर करना है तो हम एक प्लग गेज यूज़ करते हैं जो कि नो गे प्लग गेज होता है, नो गो प्लग गेज होता है, जिस जो कि इस होल के अंदर नहीं जाएगा, उसके मदद से हम आउटर लिमिट ऑफ द होल मेजर कर पाएंगे। तो दिस गेज मे बी गो गेज, गो प्लग गेज और नो गो प्लग गेज, दोनों तरह का ये हो सकता है। तो कह रहा है अगर गो प्लग गेज है तो साइज ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द होल इज मेजर्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ नो गो प्लग गेज इज द साइज ऑफ हायर लिमिट ऑफ द होल, हायर लिमिट ऑफ होल का साइज मेजर करने के लिए नो गो प्लग गेज यूज करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर यह है कि प्लग गेज का यूज करते हैं होल को मेजर करने के लिए, चेकिंग द होल, प्लग गेज इज यूज फॉर चेकिंग द होल्स। इफ द इंस्पेक्टेड होल इज विद इन देयर टॉलरेंस लिमिट द गो गेज विल इंटर द होल वाइल द नो गो गेज कैन नॉट इंटर द होल। अगर स्पेसिफाइड लिमिट में है तो गो गेज है, गो प्लग गेज है तो इंटर कर जाएगा, और नो गो प्लग गेज है तो इंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट है रिंग गेज, रिंग गेज का यूज कहाँ करते हैं? सैफ्ट को मेजर करने के लिए रिंग गेज का यूज करते हैं। दिस इस टाइप का होता है रिंग गेज, आपका इस टाइप का मिलता है आपको रिंग गेज, जो कि सैफ्ट को मेजर करने के लिए यूज होता है, चेकिंग द सैफ्ट। नेक्स्ट स्नैप या गैप गेज इज ऑल्सो यूज फॉर चेकिंग सैफ्ट, सैफ्ट को चेक करने के लिए होता है। स्नैप गेज और गैप गेज भी चेक सैफ्ट को चेक करने के लिए होता है। तो हमको अगर होल को चेक करना है तो प्लग गेज यूज करेंगे। कह रहा है इफ 25 डिग्री टू बी कट विथ ए स्मॉल डायमीटर, इफ 25 डिग्री टैपर इज टू बी कट, टैपर जो कटा, जो टैपर मेरा काटना है, ये टैपर मान लीजिए काटना है, ये एंगल जो है वो 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो सेटिंग द टैपर टर्निंग अरेंजमेंट, अगर टैपर टर्निंग अरेंजमेंट कर रहे हैं हम तो टैपर टर्निंग अरेंजमेंट के केस में टेल स्टॉक को आपको कितना, टेल स्टॉक को कितना स्विवल करना होगा, टेल स्टॉक को इसका जस्ट हाफ स्विवल करना होता है, जो कि हाफ मतलब अल्फा एंगल से स्विवल करना होता है, जो कि हम देख चुके हैं। तो 25 का हाफ कितना होता है? 12.5 डिग्री वो स्विवल करना होगा हमको, जो कि अभी भी देखे थे हम, 12.5 डिग्री स्विवल करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
ये पूरा एंगर का 2 अल्फा है। तो जो जो हम टेल स्टॉक को स्विवल किए थे अभी, यहाँ टेल स्टॉक को स्विवल किए थे, यहाँ टेल स्टॉक कितना एंगल स्विवल किए थे अल्फा से, टोटल एंगल कितना है ये 2 अल्फा, तो अल्फा एंगल से स्विवल किए थे। तो अल्फा कितना होगा, जस्ट टैपर जितना भी एंगल है, टैपर जितना भी एंगल, टैपर टोटल टैपर एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 25 डिग्री, तो जस्ट उसका हाफ मतलब 12.5 डिग्री। अगर चीजल है मेरे पास, तो चीजल फॉर मेटल कटिंग, मेटल कटिंग के लिए अगर यूज करने वाले हैं चीजल को, तो उसको कौन सा पार्ट को हार्ड करते हैं, तो कटिंग एज को हार्ड करते हैं, चीजल चीजल के कटिंग एज को हार्ड करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें दिस इज ए चीजल, अगर ये चीजल है तो इसका कटिंग एज को, चीजल आर मेड ऑफ गुड ग्रेड टूल स्टील विथ हार्डेंड कटिंग एज, जिसका कटिंग एज हार्डेंड होता है, जिसका कटिंग एज आपका हार्डेंड होता है, तो इसमें चीजल अगर यूज करने वाले हैं तो उसमें कटिंग एज को हम हार्डेंड करते हैं। और कह रहा है एंगल ऑफ कोल्ड चीजल, चीजल का एंगल जो होता है वो एंगल, कटिंग एंगल ऑफ चीजल इज केप्ट एट 70 डिग्री फॉर कटिंग कास्ट स्टील, कास्ट स्टील को कट करने के लिए, कास्ट स्टील कटिंग, कास्ट स्टील को कट करने के लिए 70 डिग्री, मतलब 60 to 70 डिग्री कास्ट आयरन के लिए, और 55 to 60 डिग्री माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील का क्वेश्चन नेक्स्ट ने पूछा था कि माइल्ड स्टील के केस में कटिंग एंगल क्या होता है, ये का टूल है, टूल का ये एंगल को हम कटिंग एंगल इसमें बोलेंगे, चीजल का ये एंगल को कटिंग एंगल बोलते हैं। तो 55 to 60 डिग्री रखते हैं माइल्ड स्टील में, 55 to 60 डिग्री, कास्ट आयरन केस में 70 डिग्री, एंड 50 to 65 फॉर द ब्रास, एंड 45 to 50 फॉर द कटिंग कॉपर, कटिंग कॉपर के केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको ध्यान में रखिएगा। माइल्ड स्टील के लिए कितना, 55 to 60 डिग्री, आंसर में कहीं भी 55 और 60 नहीं दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है 70 डिग्री। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर 70 डिग्री किसके लिए है, कास्ट आयरन के लिए है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा वो रहेगा 55 से 60 ही, इस बुक में भले ही जो रहे लेकिन वहाँ जो रहेगा वो 55 से 60 डिग्री फॉर द माइल्ड स्टील केस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एट द कटिंग इज द कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर कटिंग माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील कटिंग करने के लिए कितना, 55 to 60, 60 डिग्री याद रखना है आपको, 55 से 60 डिग्री। इसमें कुछ भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको मारेंगे भी नहीं, अब ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ द जॉब बींग मशीन ऑन द लेथ इज डबल, अगर डायमीटर को हम डबल कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगा, द स्पीड इज हाफ, एंड द स्पीड इज हाफ, डायमीटर को डबल कर दिए, स्पीड को हम हाफ कर दिए, तो कटिंग टाइम क्या होगा, कटिंग टाइम क्या होगा। सपोज दिस इज इन टर्निंग ऑपरेशन, इन टर्निंग ऑपरेशन दिस इज चक, दिस इज माई वर्क पीस, दिस इज द टेल स्टॉक, दिस इज द टूल, टूल यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक मशीनिंग करेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक ओवर रन कुछ होगा, टूल यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आएगा, टोटल लेंथ ऑफ कटिंग कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ कटिंग ये डिस्टेंस है ए जिसको अप्रोच बोलते हैं हम लोग, ये लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस ओवर रन, टोटल लेंथ ऑफ कटिंग जो मिलेगा वो लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस अप्रोच प्लस ओवर रन, ये टूल मेरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसको हम अप्रोच बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस ओवर रन, टोटल लेंथ ऑफ कट मेरा ये मिला। एस नॉट जो है फीड रेट है, फीड रेट जो है मेरा एस नॉट है, एस नॉट से हम फीड दे रहे हैं इसको, एन बी द रिवॉल्यूशन जिसको हम आरपीएम ही बोलते हैं, तो टाइम ऑफ मशीनिंग, मशीनिंग का जो टाइम लगेगा वो लेंथ अपॉन एन इंटू एस जीरो होगा, लेंथ अपॉन एन इंटू एस जीरो, एस जीरो जो फीड है वो फीड इसमें हम देंगे 0.2 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, फीड का जो यूनिट है टर्निंग ऑपरेशन में वो है मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना मिलीमीटर में इसको आगे की तरफ ढकेलेंगे, तो 0.2 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन हम फीड देंगे। तो दिस इज द टाइम, कटिंग टाइम या मशीनिंग टाइम जो भी, लेंथ ऑफ कट बाई एन आर पी एम बाई एस जीरो फीड,
अगर हम बात करें, अगर एन रिवॉल्यूशन मेरे को पता है, तो हम डायमीटर अगर हमको पता है तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ कटिंग, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो पाई डी एन अपॉन 1000, टी बी द डेप्थ ऑफ कट, टी बी द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर टी को डेप्थ ऑफ कट कंसिडर करना होगा तो नंबर ऑफ पास जो है, नंबर ऑफ पास जो है, कितना पास टूल को यहाँ से यहाँ तक कितना बार पास करना होगा डी वन डायमीटर से डी टू डायमीटर होने में, तो डी वन माइनस डी टू अपॉन टू टी, टी बी द डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पास। नंबर ऑफ पास यहाँ से निकल जाएगा हमारा, तो हमको नंबर ऑफ पास अभी मान लीजिए नंबर ऑफ पास वन ही हमको कंसिडर करना है, एक ही पास, यहाँ स्टूल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक बार सिंगल बार यहाँ से यहाँ तक गया, तो नंबर ऑफ पास मेरा वन है। तो मेरा जो यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ मशीनिंग है वो पाई डी एल सी अपॉन 1000 वी सी इन टू एस जीरो, ये मिला हमको। दिस इज, हम वहाँ से जहाँ पर एन था, एन के जगह पर हम पुट कर दिए हैं, एन के जगह पर पाके वी सी 1000 बाई पाई डी, वी सी 1000 बाई पाई सी, 1000 वी सी बाई पाई इंटू डी यहाँ पुट कर दिए एन के जगह पर प्रीवियस इक्वेशन में। तो यहाँ पर अगर मेरे पास डायमीटर जो है वो डी है, तो टाइम ये लगने वाला है, वेलोसिटी में वी सी है तो टाइम ये लगने वाला है। अब क्या कह रहा है कि यदि डायमीटर को हम डबल कर दें, डायमीटर को डबल कर दें, मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन में डायमीटर को हम क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो पाई जस का तस रह गया आपका, डायमीटर को हम डबल कर दिए मतलब टू डी मिल गया हमको। लेंथ ऑफ कट वैसे ही लेंथ ऑफ कट है बाई 1000 भी है, वी सी की जगह हम वी सी को हाफ कर दिए, तो वी सी बाई टू, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी बाई टू इंटू डेप्थ ऑफ कट, ये टू यहाँ से नीचे से ऊपर उठ के चला जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा फोर, यहाँ कितना हो जाएगा फोर। फोर के अलावा जो बाकी टर्म है वो सारा टर्म यहाँ भी अवेलेबल है, मतलब जो टाइम ऑफ मशीनिंग है वो फोर टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, टाइम ऑफ मशीन आपका फोर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फोर टाइम्स। नेक्स्ट है शॉर्ट या शार्प एंगल, शॉर्ट और शार्प एंगल टैपर्स आर मशीन यूजिंग कंपाउंड रेस्ट, याद रखना है आपको कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट है टैपर ऑफ लेथ स्पिंडल, स्पिंडल का टैपर, रेथ लेथ का जो स्पिंडल होता है, जब स्पिंडल आप देखिएगा तो स्पिंडल हल्का सा टैपर रहता है, वो कितना टैपर रहता है, तो वन अपॉन ट्वेंटी, वन अपॉन ट्वेंटी ये टैपर रहता है। और ये पहले भी हम देख चुके हैं कि लेथ स्पिंडल जो होता है वो मोस्ट मोस्ट टैपर होता है, लेथ स्पिंडल जो होता है वो मिलिंग मशीन का स्पिंडल का टैपर इतना होता है, लेकिन लेथ सेंटर का जो स्पिंडल का टैपर जो होता है वो मोस्ट टैपर होता है, और मोस्ट टैपर जो होता है 0.0502 मिलीमीटर पर मिलीमीटर होता है। अब टैपर जो है मिलीमीटर अपॉन मिलीमीटर 0.05, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन ट्वेंटी, वन अपॉन ट्वेंटी करेंगे तो वन अपॉन ट्वेंटी जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 0.05, 0.05 मतलब कि लेंथ इसका 20 मीटर, 20 मीटर लेंथ के लिए टैपर एंगल जो है वो 1 डिग्री, 1 डिग्री के हिसाब से ये टैपर होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू आपको याद है 0.05, तो 1/20 आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1/20, तो लेंथ सेंटर का जो एंगल है वो है 1/20, मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन लेंथ, लेंथ कितना 20, और चेंज इन डायमीटर जो हो रहा है वो 1 मीटर हो रहा है, तो 1/20 जो होता है वो लेंथ के स्पिंडल का टैपर होता है, लेंथ के स्पिंडल का टैपर होता है, इसको हम पहले भी डिस्कस किए थे। तो 1/20 ये ध्यान रखना है, 1/20। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द लेंथ सेंटर, लेंथ सेंटर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, लेथ सेंटर के बीच का एंगल होता है वो 60 डिग्री, ये भी आपको रिमेंबर कर रखना है, लेथ सेंटर के बीच का एंगल 60 डिग्री। द मूवमेंट ऑफ द वेरियस स्लाइड्स एज वेल एज द फीडिंग ऑफ स्टॉक ऑफ इंटायरली ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक इंटायरली ऑटोमेटिक हो रहा है तो वहाँ पर जो जितना भी मैकेनिज्म वहाँ पर है, जितना भी लिंक वहाँ पर है उस पर्टिकुलर लेथ मशीन का, अगर हम बात करें उसमें जितना भी लिंक है वो सारा का सारा लिंक, अगर ऑटोमेटिक मशीन भी हो रहा है तो सारा का सारा लिंक जो है वो कंट्रोल बाय द कैम लीवर मैकेनिज्म के थ्रू वो कंट्रोल होता है। द मूवमेंट ऑफ वेरियस स्लाइड्स एज वेल एज फीडिंग ऑफ द स्टॉक इज इंटायरली ऑटोमेटिक और स्क्रू मशीन
एंड इज ऑप्टेन बाई द एक्शन ऑफ स्प्रिंग एक्शन ऑफ लीवर ऑफ कैम मैकेनिज्म। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन के बात करें, दिस टाइप ऑफ रिगार्डली अ फाइनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैप्स्टन और टरेट लेथ। कैप्स्टन और टरेट लेथ जो दोनों था वो सेमी ऑटोमेटिक था, उसको अगर फुल्ली ऑटोमेटिक हमको बनाना है देन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट एज मच एज द पॉसिबल द ऑपरेटर इंटरफेरेंस। ऑपरेटर का जो इंटरफेयर है वो रिड्यूस करेंगे हम, वो रिड्यूस करेंगे कैसे, बाय द एक्सटेंसिव यूज ऑफ लीवर एंड कैम। लीवर एंड कैम मैकेनिज्म को यूज करके हम ऑपरेटर के इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऑटोमेटिक स्क्रू में ऑपरेटर के इंटरफेयर को कम करने के लिए हम लोग लीवर और कैम मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। हम ऐसे पहले भी देख चुके हैं पिछला स्लाइड में, इसमें बहुत सारा कैम सेफ्ट है, बहुत सा कैम सेफ्ट है और कैम है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ या ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन में हम ये लीवर कैम का मैकेनिज्म की मदद से हम ऑटोमेटिकली उसको उसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरियस लिंक जो है, वेरियस जो है स्लाइड्स है वो ऑपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ कैम और लीवर मैकेनिज्म के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ कैम नेक्स्ट करें द स्लोएस्ट स्पीड इन लेथ। लेथ में सबसे स्लोएस्ट स्पीड कब होता है, जब हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं। थ्रेड कटिंग जब उसमें करते हैं तो वो बहुत ही प्रिसाइज वर्क है थ्रेड कटिंग, इसलिए इस ऑपरेशन को हम में बहुत ही स्लोली ऑपरेशन है ये, तो लेथ में स्लोली ऑपरेशन होता है थ्रेड कटिंग के दौरान। नेक्स्ट है, अगर है स्क्वायर या इरेगुलर शेप के वर्कपीस को अगर टर्निंग करना है हमको, तो उसको कहाँ पर हम उसको कहाँ पर अटैच करेंगे, यूजुअली माउंटेड इन फोर जॉ चक में यूज़ करते हैं उसको। तो फोर जॉ चक यहाँ पर नहीं है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट चक के नाम से भी जानते हैं फोर जॉ चक को। तो अगर स्क्वायर है या इरेगुलर शेप का वर्कपीस को अगर अटैच करना है हमको, टर्निंग करना है उसका, तो उसको जो अटैच करेंगे हम वो फोर जॉ चक में अटैच करेंगे। यहाँ पर फोर जॉ चक का एक एग्जाम्पल है, दिस इज द फोर जॉ, एक जॉ, दो जॉ, तीन जॉ और चौथा जॉ, दिस इज द चक एंड दिस इज द वर्कपीस। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल या स्क्वायर या इरेगुलर शेप आर इजिली हेल्ड इन दिस चक। इस चक में किसी भी तरह का सिलेंड्रिकल हो, स्क्वायर हो या इरेगुलर शेप हो, उसको आसानी से हम चक उसको हम आसानी से अटैच कर सकते हैं इस चक में। ये फोर जॉ इंडिपेंडेंट चक है, इट हैज फोर जॉ, इसके पास चार जॉ है। ईच जॉ इज इंडिपेंडेंटली एक्चुएटेड एंड एडजस्टेड ड्यूरिंग होल्डिंग द जॉब बाय द की। की के द्वारा जॉब को हम लोग, ये अगर की है, ये चाबी है, इसके मदद से जॉब को खोल करके यहाँ पर हम स्क्वायर हो या फिर आपका इरेगुलर शेप हो उसको अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें इंडिपेंडेंट चक। नेक्स्ट है द लेथ स्पिंडल एट द नोज एंड। लेथ इसका जो स्पिंडल होता है वो लेथ स्पिंडल एट द नोज एंड हैज कैसा थ्रेड होता है, इंटरनल थ्रेड की एक्सटर्नल थ्रेड। तो हम लोग पहले जानते हैं कि लेथ का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर चक अटैच रहता है, स्पिंडल के ऊपर क्या रहता है, चक अटैच रहता है। तो स्पिंडल का जो रहता है, एक स्पिंडल का जो कटिंग रहता है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग रहता है। ये जैसे मान लीजिए कि ये चक है, ये चक कहीं ना कहीं तो अटैच होगा, ये चक जो है कहीं ना कहीं तो अटैच होगा। तो पीछे में जो जहाँ पर अटैच होता है उसको हम बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल में एक्सटर्नल थ्रेडिंग रहता है। तो अगर हम बात करें, दिस इज थ्रेडेड स्पिंडल नोज, थ्रेडेड स्पिंडल का ये नोज है, थ्रेडेड स्पिंडल नोज। तो थ्रेडेड स्पिंडल नोज में हमको दिख रहा है फिगर में कि इस पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग है और इसके ऊपर हम चक को अटैच कर देते हैं इसके ऊपर, और चक में हम जॉब को फिट करते हैं। तो अगर दिस इज द स्पिंडल, ये है आपका स्पिंडल, स्पिंडल के आगे चक को अटैच करते हैं। यहाँ पर ये दिस इज द हेड स्टॉक, दिस इज द टरेट, जो भी टरेट है इस तरह अटैच होता है।
तो कहने का मतलब है ये स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेडिंग रहता है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग रहता है। कह रहा है ए डिवाइस विच इज फास्टेंड टू द हेड स्टॉक, हेड स्टॉक के साथ उसको जोड़ते हैं, वो डिवाइस जो कि हेड स्टॉक के साथ जोड़ते हैं, हेड स्टॉक एंड में जोड़ते हैं, ऑफ द वर्क पीस टू बी टर्न, जिस वर्क पीस को हम टर्न करना है उसको फिक्स करने के लिए हम इसको फास्टेंड करते हैं कहाँ पे, हेड स्टॉक के साथ बिटवीन द सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेथ डॉग, उसको हम बोलते हैं लेथ डॉग। ये लेथ डॉग देखने में कैसा लगता है, ये हेड स्टॉक एंड में अटैच होता है और लेथ डॉग दिस इज द लेथ डॉग, ये लेथ डॉग है, ये भी एक लेथ डॉग है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेथ डॉग कैरियर। इसको हम इस तरह अटैच करते हैं, मान लीजिए जॉब है और ये आपका चक है, जिसको हम चक है या फिर चक के आगे फेस प्लेट अटैच किए हैं, तो फेस प्लेट के साथ इस जॉब को अटैच करेंगे, दिस इज द टेल स्टॉक और दिस इज द टूल। अगर फेस प्लेट अगर ये है तो फेस प्लेट से वर्कपीस को जिसको टर्निंग करना है उसके साथ इस डॉग को अटैच करते हैं, ये डॉग को अटैच करते हैं। तो जो अटैच करते हैं, यूज ए डॉग कैरियर इन टर्निंग ए जॉब बिटवीन सेंटर, सेंटर के भी जब टर्निंग करना हो तो हम लोग यहाँ पर डॉग कैरियर यूज करते हैं। द डॉग कैरियर एट इट्स वन एंड इज क्लैम्प्ड विद द जॉब, एक एंड को हम जॉब से अटैच करते हैं, वाइल द अदर एंड इज इंगेज टू द इन द ओपन स्लॉट ऑफ द फेस प्लेट, फेस प्लेट के ओपन स्लॉट जहाँ पर है वहाँ से पास होते हुए ये अटैच होता है पीछे की तरफ स्पिंडल से, स्क्रू ऑन द लेथ स्पिंडल, जिसको लेथ स्पिंडल के साथ इसको कस देते हैं, तो ये पूरी तरह अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग डॉग कैरियर, लेथ डॉग। लेथ डॉग अगर हम बात करें दिस इज द फेस प्लेट, अगर फेस प्लेट का बात करें तो दिस इज द फेस प्लेट, अगर यहाँ पर आपका चक है तो चक से हम फेस प्लेट को अटैच करते हैं, फेस प्लेट से जॉब को अटैच करते हैं, और जॉब को अटैच करने के बाद, जॉब से को अटैच करने के बाद हम यहाँ पर टूल लगा करके जो भी काम करना है वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ सेंटर, लेथ सेंटर का इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री, अभी देख चुके। द टैपर इन लेथ स्पिंडल, लेथ स्पिंडल में टैपर जो होता है 1/20 होता है। नेक्स्ट एक बात और है कि टेल स्टॉक सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम डेड सेंटर बोलते हैं। टेल स्टॉक सेंटर जो कि रिवॉल्व नहीं होता है विद द वर्क पीस, वर्क पीस तो रिवॉल्व नहीं होता है इसलिए उसको हम डेड सेंटर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें हम बात करें कि दिस इज द टेल स्टॉक, दिस इज द हेड स्टॉक, हेड स्टॉक चूंकि घूमता है इसलिए इसको हम लाइव सेंटर बोलते हैं, और टेल स्टॉक चूंकि घूमता नहीं है स्टेशनरी रहता है, वर्क पीस रिवॉल्व नहीं होता है इसलिए इसको हम डेड सेंटर भी बोलते हैं, इसको हम डेड सेंटर बोलते हैं, टेल स्टॉक को डेड सेंटर बोलते हैं। ये दिस इज द टूल पोस्ट, टूल पोस्ट के ऊपर ये है कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड के नीचे क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के नीचे सैडल, और सैडल के नीचे ये आपका एप्रोन बॉक्स, ये पूरे को हम लोग कैरेज भी बोलते हैं। दिस इज द स्पिंडल, ये आपका स्पिंडल है, ये आपका चक है, ये आपका चक या फेस प्लेट आप जो बोलना है बोलिए, कॉल इट जो भी बोलना है, और दिस इज द लीड स्क्रू, ये आपका लीड स्क्रू है, दिस इज द आपका फीड रॉड है, एक फीड रॉड एक लीड स्क्रू, फीड रॉड ऊपर में होता है, लीड स्क्रू नीचे होता है, यहाँ पर उल्टा दिखा है। नेक्स्ट है दिस इज द लेग, ये दो ठो लेग है आपका लेथ मशीन का, तो उसको हम बोलते हैं डेड सेंटर, टेल स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड सेंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्कराइजिंग क्या होता है, पार्कराइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील एक्ट एज ए बेस और प्राइमर और इनेमल और पेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये फॉस्फेट का कोटिंग होता है स्टील पे चढ़ाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्कराइजिंग, पार्कराइजिंग एनोडाइजिंग देख चुके हैं अभी,
एनोडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनता है, उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। पार्कराइजिंग का अगर हम बात करें तो पार्कराइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील एक्ट एज ए बेस और प्राइमर और इनेमल एंड पेंट। इन दिस प्रोसेस द स्टील इज डिप्ड इन 190 डिग्री फारेनहाइट या 90 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन ऑफ द मैग्नीज डिहाइड्रोजन फॉस्फेट, मैग्नीज डिहाइड्रोजन फॉस्फेट फॉर अबाउट 45 मिनट। 45 मिनट तक उसके हम लोग उसमें डुबा के रखते हैं एट 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस पर एक लेयर चढ़ जाता है। ब्लूइंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिपिंग स्टील और आयरन एट इतना डिग्री मोल्टन बाथ ऑफ नाइट्रेट ऑफ पोटास, इसको सल्फ्रेट भी बोलते हैं, फॉर अबाउट 1 to 15 मिनट। एक ब्लूइंग भी प्रोसेस है, हम लोग यहाँ पार्कराइजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लूइंग में क्या होता है कि उसमें हम लोग नाइट्रेट ऑफ पोटास या साल्ट्रेट भी बोलते हैं उसमें डुबा देते हैं, साल्टपीटर नाइट्रेट ऑफ पोटास में उसको डुबाते हैं 15 मिनट तक। और इसमें क्या करते हैं, मैग्नीज डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में डुबाते हैं 45 मिनट तक 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्कराइजिंग। पार्कराइजिंग में आपको ज़्यादा देर ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑफ ऑन स्टील एक्ट एज ए बेस और प्राइमर और इनेबल और पेंट जिसको बोलते हैं। एनोडाइजिंग तो देख ही चुके, डेवलप द एल्यूमिनियम ऑक्साइड डेवलप करता है, करते हैं एनोडाइजिंग। तो पार्कराइजिंग क्या होता है, फॉस्फेट का लेयर, तो उसको पार्कराइजिंग बोलते हैं हम लोग। पार्कराइजिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील एक्ट एज ए बेस और प्राइमर और इनेमल एंड पेंट।